हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टॉक्स में और मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप सिखवाल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम बहुत जल्दी एक लॉन्ग जर्नी चालू करने वाले हैं, तो हमने शुरू कर दी है लॉन्ग जर्नी। हम लोग निकल रहे हैं अभी जयपुर के लिए और टाइम अभी हुआ है 10:51। घर से निकले हुए आधा घंटा हो गया और रास्ते में एक जगह रुकेंगे कहीं से। फास्टैग हम मेरे को इस गाड़ी में इंस्टॉल कराना है, फास्टैग इंस्टॉल नहीं कराया था। साथ है प्रतिष्ठा एज यूजुअल और गाड़ी पूरी जैसे कि आप देख सकते हैं जैम पैक्ड है लगेज से। तो ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, पूरा राजस्थान इसमें हम कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज मेरी पसंद आएगी। बाली ब्रिज अप्रोच कर लिया है, अब गंगा रिवर क्रॉस करेंगे। यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 27 आवर्स, 1550 किलोमीटर यहाँ से है। रास्ते में कहीं रुकेंगे, अभी प्लान नहीं किया है कि कहाँ रुकना है। रात तक जितनी दूर तक चल सकेंगे उतनी दूर तक चलेंगे, फिर उसके बाद में कहीं रुकेंगे। तो अब गंगा रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। जय हो गंगा मैया की, हमको सेफली लेके जाना और सेफली वापस लेके आना। जय हो गंगा मैया। जर्नी का फर्स्ट ब्रेक ले लिया है, फास्टैग लेने के लिए रुक गए, तो पेटीएम का फास्टैग ले रहे हैं। एक टोल पे तो डबल पैसे लग गए मेरे, तो फास्टैग लगा लिया है। और ये है ऋतिक, ऋतिक तिवारी है, ये भी एक यूट्यूबर है, तो इसने लगा दिया फटाफट से। थैंक यू ऋतिक। बर्धमान पहुंच चुके हैं। बर्धमान की मिठाइयां बहुत फेमस है, स्पेशली एक मिठाई मिलती है यहाँ पे, उसको लैंचा बोलते हैं, वो यहाँ का बहुत फेमस है। प्रतिष्ठा एकदम रिलैक्सिंग मूड में है, नेक पिलो अपना लगा लिया है और बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं। लास्ट आपको बताया था उसके बाद में 5-6 किलोमीटर ही और चले हैं हम लोग, ट्रैफिक के लिए रुक गए थे। अब वापस से रोड थोड़ी क्लियर मिलने लगी है। 150 किलोमीटर्स आ गए हैं कलकत्ता से और अभी एक जगह रुके हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए हैं और ब्रेकफास्ट करने का तो अब मन नहीं है क्योंकि लंच टाइम हो गया है, 1:30 टाइम हो रहा है, तो अभी लंच ही कर लेते हैं और उसके बाद में आगे निकलेंगे। लंच डाइनिंग टेबल पे लग चुका है और आपको बताता हूँ लंच में क्या क्या है। दाल की पूड़ी है, पराठा है, मिर्ची का अचार है, करेला है, आलू की सब्ज़ी है, लहसुन की चटनी है और एक ये और कुछ अचार है और दही है। तो अब हम फटाफट लंच करते हैं और आगे निकलेंगे। लंच कर लिया और अब लस्सी टाइम है। ट्रैवलिंग के टाइम में लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो चीयर्स। प्रतिष्ठा इन सब सामान को माइंड अप कर रही है और आप ये देखिए कि यहाँ हमने कुछ भी लेटर नहीं किया है। एक कैरी बैग कैरी करते हैं साथ में, तो कुछ भी जो कचरा है, अनवांटेड चीज़ें हैं जो डिस्पोज करनी है, उसको कैरी बैग में डाल लेंगे और उसके बाद में कहीं डस्टबिन मिलेगा तो उसमें उसको डिस्पोज कर देंगे। नागिन ट्यून बज रहा है। ये देखिए हमारी धन्नो 16.8 का एवरेज देने लग गई है और प्रदीप गाड़ी चला रहे हैं, तो हो सकता है ये 20 तक का भी एवरेज दे दे। मैं तेल बचा रहा हूँ इंडिया के ऊपर में ऐसे ही ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से बहुत खर्चा आ जाता है, इसलिए मैं तेल बचा के चलता हूँ। सूरज कितना ज़बरदस्त लग रहा है और हाईवे भी उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नज़ारे बड़े मस्त हैं। अगर आपने कभी कोलकाता टू राजस्थान रोड ट्रिप नहीं किया तो ज़रूर करिए रोड ट्रिप, बड़ा मज़ा आएगा और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। आप बनारस रुक सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं। प्रकृति ने बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, इन
को तो इतना अच्छा वरदान दे रखा है कि ग्रीनरी हमेशा 12 ही महीने रहती है। ऑफिशियली अब हम झारखंड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है और उस तरफ जहाँ आपको कुछ ट्रक्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ की चुंगी है। इंटरस्टेट जब ये ट्रक्स क्रॉस करते हैं तो इनको टैक्स के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। टाइम हो रहा है 4:30 और धनबाद पहुँच चुके हैं। धनबाद सिटी में एंटर नहीं करते हैं, बाईपास से निकलेंगे। और अभी अप्रॉक्सीमेटली 275 किलोमीटर्स आ चुके हैं। बहुत देर तक जाम में फंसने के बाद में और अब एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और थोड़ी कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। प्रतिष्ठा कॉफ़ी बना रही है। इंस्टेंट कॉफ़ी साथ में लेके चलते हैं तो जहाँ पे भी अगर मन हुआ कॉफ़ी पीने का तो वहाँ तुरंत कॉफ़ी तैयार। बरही पहुँचने वाले हैं और बरही की खासियत है यहाँ का खीर मोहन। यहाँ रोड के दोनों तरफ आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे खीर मोहन लिखा हुआ रहेगा। झारखंड खत्म हो गया है और अब बिहार में एंट्री कर ली है। बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब पी के आना और शराब लाना दोनों मना है और यहाँ हो सकता है कि हमारी गाड़ी चेक होगी। ये यहाँ जो बैरिकेटिंग है यहाँ पे गाड़ियाँ चेक होती है। अगर फैमिली है, लेडीज है तो ये नहीं करते हैं चेक, और अगर आप सिर्फ आदमी हैं, सिर्फ मेल मेंबर्स हैं तो फॉर श्योर आपकी गाड़ी चेक होगी यहाँ पे। टाइम हुआ है 8:49 और हम लोग डोभी पहुँच चुके हैं। डोभी से अगर आप राइट लेंगे, अगर आप कलकत्ता से आ रहे हैं तो डोभी से राइट लेने से आप गया के रास्ते में आ जाएंगे। गया यहाँ से 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है, तो अगर आपको गया जाना है तो आप यहाँ से राइट ले लीजिए। और अगर आपको पटना भी जाना है तो गया से आगे आप पटना निकल सकते हैं। डेरी ऑन सोन है इस जगह का नाम। काफ़ी चौड़ी रिवर है ये, अब अंधेरा है तो आपको नीचे दिख नहीं रहा है। सैंड माइनिंग के लिए ये रिवर बहुत फेमस है, सैंड माइनिंग बहुत होती है इस रिवर पे। टाइम हो रहा है 10:14 और अभी हम अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे और दूर हैं, 1 बजे के करीब पहुंचेंगे। कैलकटा से 550 किलोमीटर अभी तक कवर किया है हमने। ये आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी रिवर है ये। गाजीपुर जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से भी जाता है डेरी ऑन सोन से, वो किलोमीटर वाइज थोड़ा शॉर्ट है रास्ता, लेकिन रास्ता इतना अच्छा नहीं है। गांव के अंदर में से छोटा छोटा रास्ता है और बहुत उसके अंदर में टर्निंग्स और ये सब है। तो एक रास्ता और है जो दुर्गावती से जाएगा, वो हम उस रास्ते से जाएंगे दुर्गावती वाले से। 623 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। टाइम हो रहा है 11:40। 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल रही है गाड़ी। बाहर सर्दी है और अभी अराउंड 75 किलोमीटर और बचा हुआ है गाजीपुर। रूम बुक कर दिया है, वहां पे जाके देखना होगा कि डिनर क्या मिलेगा। ऐसे हमारे साथ में है डिनर।
अगर आपको दुर्गावती से पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे की तरफ अगर लेना है, अगर उस रूट को पकड़ना है आपको, तो आपको इस चुंगी नाका का ध्यान रखना है। इस चुंगी नाके के आगे दुर्गावती आएगा, दुर्गावती से राइट लेना है, क्योंकि जीपीएस जो है वो बहुत पहले से आपको राइट लेफ्ट बताएगी। बट बड़ा ही ज़बरदस्त रास्ता है, जो क्लिप्टस के पेड़ दिख रहे हैं और बड़ और पीपल के भी पेड़ हैं, हल्का हल्का फॉग शुरू हो गया है, कहीं कहीं फॉग मिल रहा है, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ा ही अल्टीमेट लग रहा है। एक सजेशन और है कि अगर आप शाम को 30 ml 60 ml के शौकीन हैं, तो आप बिहार में बिल्कुल मत रुकिएगा, यूपी में आ जाइएगा। जय हो गंगा मैया की। गाजीपुर पहुंच गए और ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये गंगा मैया के ऊपर बना हुआ है। पहुंच गए हम अपने होटल, होटल का नाम है अतिथि कॉन्टिनेंटल। होटल में चेक इन कर लिया है, अब रूम की तरफ जा। लॉबी भी अच्छी है, आइए अंदर से देखते हैं रूम कैसा है। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है, एक छोटा सा वर्क स्टेशन टाइप का है, यहाँ टीवी लगा हुआ है, और ये एक बेड। वॉशरूम भी देख लेते हैं। नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। आई होप आपको आज की ये जर्नी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी मेरे को दीजिएगा, ताकि मेरे पास में इम्प्रूव करने के लिए और सजेशंस मिले आपके। कल सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे और निकल के राजस्थान की ओर बढ़ेंगे।